नमस्कार दोस्तों, सारा इंडिया का पैसा वापस होने लगा है। जितने भी निवेशकों ने अपना पैसा सारा इंडिया कंपनी के अंतर्गत जमा किया है, उन सभी निवेशकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने अपना पैसा वापस पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी निवेशकों का पैसा 10,000 की धनराशि वापस की गई थी। हालांकि अब पैसा की राशि बढ़ा दिया गया है। सहारा इंडिया पैसा वापस करने को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरोसा दिलाया है कि निवेशकों का पैसा शीघ्र वापस लौटाया जाएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, जितने भी निवेशकों ने सहारा इंडिया में पैसा वापस करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी का पैसा कब तक खाते में भेजा जाएगा। अगर आप भी सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सहारा इंडिया कंपनी में जितने भी नागरिकों का पैसा डूबा हुआ है, उनका पैसा शीघ्र वापस किया जाएगा। ये अपडेट हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। सहारा इंडिया पैसा वापस करने को लेकर अलग अलग मंत्री बयान सामने आ रही है। ऐसे में सहारा इंडिया कंपनी का पैसा वापस करने को लेकर पूरी तरह दबाव बन चुका है। जितने भी लोगों का सहारा इंडिया में पैसा डूबा हुआ है, उन सभी का पैसा वापस होने वाला है। इसके लिए सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, तभी निवेशकों का नाम रहेगा, उतना निवेशकों के खाते में पैसा शीघ्र भेज हो जाएगा। सहारा इंडिया में जितने भी निवेशकों का पैसा फंसा था, उन सभी का पैसा वापस होने लगा है। ये जानकारी आप भी खुश हो जाएगी कि जितने भी निवेशकों ने सहारा इंडिया रिफंड के अंतर्गत जितने भी निवेशकों ने पैसा वापस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी निवेशकों का धनराशि वापस कर दी गई थी, अब इसके लिमिट बढ़ा दिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों का पैसा सहारा इंडिया में डूबा है, उन सभी का पैसा शीघ्र वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में नागरिकों को पता होना बहुत ही जरूरी है। सहारा इंडिया पोर्टल के माध्यम से पहले 10,000 तक क्लेम करने के लिए पंजीकरण किया जाता है। ये सभी निवेशकों को पता होना बहुत ही जरूरी है। अब इस क्लेम की राशि बढ़ाकर 19,999 कर दी गई है। इसके तहत आप सहारा इंडिया पोर्टल पर इस नई राशि के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आशा और पूरा विश्वास के साथ गृह मंत्री विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द सभी नागरिकों का पैसा वापस कर दिया जाएगा। जानकारी के लिए बताते चले, सहारा इंडिया में जितने भी नागरिकों का पैसा जमा हुआ था, उन सभी नागरिकों का पैसा वापस होने लगा है। केवल उन्हीं नागरिकों का पैसा वापस होगा जिन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्री के आदेश अनुसार एक कोर्ट लॉन्च किया था। जिस पोर्टल को नाम सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से जाना जाता है, जितने भी नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हीं का पैसा वापस होगा, बाकी नागरिकों का पैसा वापस नहीं होगा। जानकारी के लिए बताते चले, अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई पोर्टल में लगभग 3.25 करोड़ निवेशकों ने आवेदन किया था, यानी रजिस्ट्रेशन कर ली गई थी। इसमें से केवल 2.5 करोड़ निवेशकों का रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया गया था, बाकी निवेशकों का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया गया था। अधिक जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में सहारा इंडिया में फंसे नागरिकों का पैसा के बारे में पल पल की अपडेट दी गई है। सभी ने उसका पता होना बहुत ही जरूरी है। सहारा इंडिया रिफंड के पोर्टल पर जितने भी नागरिकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उन सभी नागरिकों का पैसा धीरे धीरे से कम रकम में वापस किया जा रहा है। पहले
10,000 का रकम सभी नागरिकों के खाते में धीरे धीरे भेजा जा रहा था, फिर इसका रकम बढ़ा के 2 गुना कर दी गई है। इसके लिए निवेशकों को क्लेम करना होगा, तब जाकर सारा इंडिया रिफंड लिस्ट में नाम जारी हो, फिर आपका खाते में ये धनराशि भेजी जाएगी। ये सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। जानकारी के लिए साझा करना बहुत ही ज़रूरी है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि संसद में कई नेता मंत्री ने सहारा इंडिया पैसे पैसे के मामले में आवाज़ उठाई है। ऐसे में बहुत ही जल्द जितने भी निवेशकों ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी का पैसा धीरे धीरे से वापस होने लगा है। ये जानकारी निवेशक बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको नहीं लगा था कि उनका पैसा अब वापस होगा। जानकारी के लिए बताते चले, जितने भी नागरिकों ने गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च की गई सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किए हैं, उन सभी नागरिकों का पैसा सबसे पहले भेजा जाएगा। ये सभी नागरिकों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जानकारी के लिए बताते चले, इसके लिए सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 जारी किया जा रहा है। जितने भी नागरिकों का इस लिस्ट में नाम है, नागरिकों का पैसा सिंह खाते में 1 से 2 महीने के अंदर प्राप्त होंगे, और आपका नाम सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट में नहीं है तो आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। कई करोड़ों नागरिकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। वर्तमान में ये भी धीरे धीरे 10,000 की रकम भेजा जा रहा है। अब तक आपके खाते में कितनी धनराशि भेजी गई है, अगर आप इसके बारे में साझा करना चाहते हैं तो नीचे दी गई कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट की कैसे चेक करना है, अगर आप ये जानकारी जानने का प्रयास कर रहे तो हमारे वीडियो में बने रहें, आगामी वीडियो हम तैयार करेंगे। दोस्तों शुक्रिया।